नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सरोवर नगरी नैनीताल हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के खिलाफ दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। कोर्ट ने जिला मॉनिटरिंग कमेटी को निर्देश दिए हैं कि किस सरकारी अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, उनकी जांच कर 8 मार्च तक अवगत कराएं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस सिद्धालिक की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिवदत्त भट्ट ने कोर्ट को बताया कि सरकारी अस्पतालों में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसकी जानकारी राज्य के मेडिकल पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। इसकी वजह से मरीजों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की मेडिकल वेबसाइट में इस बात का भी उल्लेख किया जाए कि पीएससी, सीएससी, बेस अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। याचिका में ये भी कहा गया है कि महामारी से लड़ने के लिए प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नैनीताल से हमारे संवाददाता विनोद अग्रवाल की रिपोर्ट। आज कोविड मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने अपनी वेबसाइट में सारे सब सेंटर्स, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल्स में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसके बारे में एक लिस्ट दे रखी है, जो कि हमने हमारी एप्लीकेशन 9023 में लगाई हुई है। और हमने प्रार्थना करी कोर्ट से कि डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज़ को बोला जाए कि इनकी जांच करें और यह फैसिलिटीज़ उन सेंटरों में, उन हॉस्पिटलों में अवेलेबल है या नहीं है, उसकी रिपोर्ट कोर्ट को प्रस्तुत करें। कोर्ट ने हमें सुनकर यह आदेश करा है कि वह एप्लीकेशन की कॉपी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज़ को अवेलेबल कराई जाए और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमिटीज़ उन सब सेंटर्स, हॉस्पिटल्स और पीएचसी, सीएचसी में जाके उन फैसिलिटीज़ की जाँच करेंगे और अपनी रिपोर्ट 8 मार्च से पहले कोर्ट में देंगे और 8 मार्च को इसकी अगली सुनवाई निर्धारित की गई है। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।